अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक उर्दू। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू 10th की उर्दू की बुक जो है दरख्शां पार्ट 2 से ही एक और अफसाना जिसका नाम आशियाना है और जिसको निगार अजीम ने लिखा है। आज निगार अजीम के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आशियाना के बारे में हम लोग बातें करेंगे। निगार अजीम जो है अभी की अहम अफसाना निगारों में से उनको जाना जाता है और उनका जो असली नाम है वो मेहर निगार है और उनका कलमी नाम निगार अजीम है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है, तो मलका मेहर निगार उनका असल नाम है और कलमी नाम जो है निगार अजीम है। वो उर्दू अदब में काफ़ी मकबूलियत रखती हैं, काफ़ी फेमस हैं। उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया है। ये भी सवाल है रहता है कि उन्होंने किस सब्जेक्ट में एमए किया है, तो वो उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया है और उन्होंने हसन मिंटू के अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश करके जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी डिग्री भी हासिल की है। वो एक फेमिनिस्ट हैं, जो निगार अजीम जो हैं वो एक फेमिनिस्ट है। वो औरतों के फीलिंग्स और इमोशन के पर जो है अफसाने लिखती हैं और उन्होंने काफ़ी अफसाने लिख चुका है। उनका जो पहला अफसाना है वो उसका नाम अक्स है, जो कि 1990 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद उन्होंने 1999 में गहन लिखा और फिर इसके अलावा हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और फ़न का जायज़ा पेश किया। फिर इसके अलावा बहादुर शाह जफ़र की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी उन्होंने अहम तनकीदी किताब शाया मतलब की है और उन्होंने गर्दे आवारगी नाम की एक सफ़रनामा भी लिखा है। इसके अलावा वो गज़ल भी लिखा करती थी। उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़ जिसका नाम इमारत, एबॉर्शन, अक्स, बड़ी फैमिली, ये सब उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। ये आर्टिकल्स भी लिखे हैं, एक बाग़ो बहार, शख्सियत, सुगरा मेहंदी और फिर बहुत सारे किताबें, गहन, हरचरण चावला, इंतखाबे कलाम, मंटू का सरमाया, वो जो कह गए, इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आशियाना के बारे में। आशियाना जो कहानी है वो उसके नाम से ही समझ में आता है कि आशियाना का मतलब घर होता है, जिसकी हर एक चीज़ अपनी सी लगती है, जहाँ रहने से आदमी को सुकून मिलता है। तो उसी तरह की कहानी है। इस कहानी से हम लोग अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। इसमें एक औरत है जिसका नाम जरीना है और उसके शौहर का नाम बरकत अली है, जो कि काफ़ी अच्छे ओहदे पर काम करता है और उसका एक छोटा सा मकान है। उसके दो बच्चे हैं, सिराज और एक बेटी रुकैया। तो एक बेटा और एक बेटी है। फिर बेटी की शादी हो गई है और वो उन्होंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की है और बेटी की शादी कर दी, बेटे को भी बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो बेटी तो अब नहीं जल्दी आती हैं उनका, चूँकि शादी को ज़्यादा दिन हो गए हैं तो इसलिए अब वो कम आया करती थी। और बेटा सिराज जो है उसकी भी शादी हो गई है और उसकी वाइफ का नाम इरफाना है। कहानी जो है इन्हीं चारों के बीच जो घूमती है, सास ससुर जो है जरीना और बरकत अली और बेटे बहू सिराज और इरफाना, इन्हीं के चारों ओर ये कहानी घूमती है। सिराज को जॉब बहुत अच्छी जगह बेंगलोर में लग गई है और जैसे ही बरकत अली रिटायर होते हैं तो वो लोग ज़िद करते हैं बेटे बहू के, आप लोग मेरे साथ, हम लोग के साथ बेंगलोर चलिए, और ये लोग तैयार हो जाते हैं उन लोगों के साथ जाने के लिए और वहीं जाकर रहने लगते हैं। बेटे बहू तो बहुत मानते थे इन लोगों को, कोई काम नहीं करने देते थे, बस आराम ही करने के लिए कहते थे। जरीना का बहुत मन करता था कि वो खाना पकाएं, लेकिन बहू उनको उनके किचन में आने नहीं देती थी, नहीं आपको आराम करना है। फिर इसके अलावा अपने सहेलियों से भी काफ़ी तारीफ़ करती थी अपने सास ससुर के, और जरीना भी देखती थी तो सोचती थी कि वाकई में मेरे मतलब बेटे बहू बहुत अच्छे हैं। लेकिन वहाँ रहने पर
उनको धीरे धीरे बेगानापन जैसा लगने लगता है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। कोई भी काम चाहती थी कि अगर काम वाली पे कुछ बोले, काम किसी काम को करना चाहें, तो बेटे बहू रोकते थे कि नहीं, आप लोगों को नहीं कुछ करना है, आप लोगों को आराम करना है। कपड़े धोने के लिए, झाड़ू बर्तन के लिए, सब के लिए दो दो काम वाली थी। और इरफाना हमेशा सोचती थी कि जो है कि उनको कोई काम अगर ठीक से ना करें तो उनको बोले, तो बेटा उनका जो सिराज था बोलता था कि नहीं, आपको क्या ज़रूरत है ये सब में अपना सर दर्द करने का, ये सब इरफाना देख लेगी। तो इस वजह से जो है कि इसको ज़रीना को ऐसा लगने लगा कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर बेटे बहू का है, और इसमें कोई भी चीज़ उसको अपनी नहीं लगती थी। एक बार का कई बार सिराज और उनकी बहू में मुँहामुही हो जाता था, खटपट हो जाती थी कि वो जॉब करना चाहती थी इरफाना जो है। तो एक बार ज़रीना ने बेटे से कहा कि अगर बहू अगर मुलाज़मत करना चाहती है तो उसे करने दो, मैं घर में रहती ही हूँ, मैं यहाँ का काम देख लूँगी। तो लेकिन सिराज ने कहा, नहीं अम्मी, यह मसला नहीं है, इन बड़े शहरों के मसाइल ही दूसरे हैं, दिन भर बसों और ट्रेनों में धक्के खाने पड़ते हैं, और भी कई बातें हैं, फिर भी आपको कोई परेशानी हुई तो मेरा प्रमोशन होने वाला है, और आप इस सब का टेंशन नहीं लीजिए। फिर उस पर बहू भी बोलती है कि अम्मी आप फिक्र ना कीजिए, इनके अकल में मेरी बात तो नहीं आएगी, तो आप मत बोलिए। तो ये सब से उनको समझ में आया, ज़रीना को, वो ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं कर सकती थी, और वो अपने शौहर के मिजाज को भी जानती थी कि वो भले कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन अंदर से वो बेचैन हैं। फिर खुद ही सोचती कि शायद हम ही नहीं समझ सकें कि हम क्या चाहते हैं, अपना हाथ इख्तियार, अपनी बादशाहत, हम उम्र साथी, ऐशो आराम, या फिर अपनापन। ये ज़रीना को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने अच्छे लायक मतलब बेटे बहू मिले हैं, फिर भी हम लोगों को एक उदासी सी है, खालीपन सा लगता है। तो वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर से वो जो उसका जो एहसास थे वो उसको बता नहीं पा रही थी। फिर एक दिन जो है वो उसके शौहर जो है बरकत अली, वो आखिर में उससे कहते हैं कि थक गया हूँ मैं आराम करते करते और किताबें पढ़ते पढ़ते, मुझे यहाँ आने के बजाय कहीं कोई नौकरी, काम या नौकरी चाहिए थी, कर लेनी चाहिए थी, शायद हमने यहाँ आकर गलती कर दी है। ज़रीना, यह हमारा घर नहीं है, यह तो बेटे और बहू का घर है, हम तो इस घर के मेहमान हैं, और मेहमान तो दिन दो दिन का होता है, बरसों का नहीं। इसी मेहमानी में दो बरस गुजार दिए हमने, बहुत हुए दो बरस, अब मैं यहाँ रहूँगा तो मैं बीमार सा हो गया हूँ, मैं बीमार हो जाऊँगा, क्या तुम अपने बेटे बहू को छोड़कर मेरे साथ अपने घर वापस चलोगी? यहाँ तुम पकाओगी, भले ही वो चटनी रोटी ही क्यों ना हो, लेकिन अपना जहाँ अपना परोस होगा, शाम की महफिली होंगी, और फिर बेटा बहू छूट थोड़े ही जाएंगे, हम सब आते जाते रहेंगे। बरकत की मोहब्बत, अपनाइत और खुद एतमादी ने ज़रीना को के मन में सैकड़ों चिराग रोशन कर दिए, और फिर वो उन लोगों ने अपने घर वापस लौटने का इरादा कर लिया। तो कहानी यही थी कि दूसरे के घर में इंसान को बेटे बहू का क्यों ना हो, चूँकि वहाँ की चीज़ें वो खुद से नहीं सजाता है, वो सारे जो भी इंतज़ाम होते हैं वो सब दूसरे के हाथ से किए हुआ रहता है, वहाँ पर अपनापन नहीं लगता, और जहाँ पर इंसान को अपनापन नहीं लगता है वहाँ पर इंसान का दिल नहीं लगता है। वही चीज़ ज़रीना के साथ हो रहा था, क्योंकि उसने अपना एक वक्त गुजारा था अपने घर में, हर एक चीज़ों को अपने से संजोया था, इसलिए उसे दूसरे के घर, अपने बेटे बहू का के घर पे उसका दिल नहीं लग रहा था। तो कहानी यहीं तक थी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ये वीडियो कैसी बनी है ये कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।